नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 देशी कट्टा और सैकड़ों कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। भूमि विवाद निपटारे को लेकर कमिश्नर वंदना किनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने प्रोफेसर विभास चंद्र झा, विश्वविद्यालय में इस्तीफे का दौर शुरू। भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कुदरत का बरपा कहर, वज्रपात से 1 मासूम सहित 4 की मौत। और शिव भक्तों ने पेश किया भक्ति का अनूठा नजारा, 54 फीट कामर के साथ 400 कमरियों का जत्था बाबा धाम हुआ रवाना। और अब खबरें विस्तार से। नवगछिया में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 160 राउंड गोली, 3 देशी कट्टा, 1,09,000 नगद सहित 8 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसपी निधि रानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी देते हुए कहा कि कुख्यात अपराधी पवन यादव को हथियार के साथ वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर वैशाली यादव के घर में छापेमारी कर 153 राउंड गोली, 2 देशी कट्टा, 1,09,000 नगद और 2 मोबाइल फोन के साथ वैशाली यादव को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने कहा कि बिहपुर थाना क्षेत्र लत्तीपुर निवासी फरार अपराधी पप्पू यादव को 1 देसी कट्टा, 10 गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अपराधी पर पुलिस जिला नवगछिया के विभिन्न थानों में हत्या, रंगदारी, लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं और वह वर्षों से फरार चल रहा था। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर चोरी के मोबाइल फोन के साथ युवक अमन को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने नया टोला भवानीपुर में छापेमारी कर 6 मोबाइल फोन और 36 सिम के साथ अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। कल रात में मधेपुरा जिला में जो है एक पवन यादव की गिरफ्तारी हुई वाहन चेकिंग के दौरान में साधोपुर में, तो उसके पास में वाहन चेकिंग के दौरान में एक जो अवैध अग्नयास्त्र पकड़ाया, उसकी निशानदेही पर हम लोगों को सूचना दिया गया कि रंगड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक अपराधी है, उसके यहाँ से उसको खरीदा है। तो हम लोगों के यहाँ से टाउन SHO के साथ में रंगड़ा थाना की टीम जो है उसने जाके रेड किया, तो जो विशाल यादव है साधुपुर रंगड़ा OP के अंतर्गत, उसके यहाँ पर रेड हुआ। तो रेड जब उसके यहाँ पे हुआ, छापेमारी के बाद में हम लोगों को उसके यहाँ से 2 देसी कट्टे मिले, 2 मोबाइल फोन उसके यहाँ से जब्त हुए हैं और 1,09,000 रुपए नकद उसके पास से मिला है। जो पवन यादव जो पकड़ाया है मधेपुरा में, जो हथियार वो लेके जा रहा था खरीद के लिए, उसी का ये पैसा है जो ये खरीद फरोख्त करता है हथियारों में उसकी। और उसके पास से रेगुलर जो है 153 आर्म्स मतलब एम्यूनिशन मिली है 7.62 mm का। तो ये रिकवरी हुआ है विशाल यादव, जो कि पिता का नाम जगरूप यादव, जो साधोपुर गांव पड़ता है रंगड़ा OP में, उसके यहाँ से। इनके विरुद्ध में जो है गोपालपुर रंगड़ा में 251/19 जो है केस दर्ज हुआ है। पप्पू यादव की उसके घर से गिरफ्तारी हुई है, वो लत्तीपुर का रहने वाला है, उसकी वहां से गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास 1 देसी कट्टा और 0.315 बोर का 10 गोली मिला है उसके पास। बीहपुर भवानीपुर वाला जो ये केस दर्ज हुआ है मोबाइल फोन की चोरी वाला, तो इसमें हमें उम्मीद है कि इसमें और भी गिरोह के जो लोग शामिल हैं, जो कि ट्रेन में फोन लूटने का काम करते हैं, उसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, कुछ नाम और आए हैं जिसमें कि आगे छापेमारी चलती रहेगी। भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बुधवार को आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयुक्त ने भागलपुर एवं बांका के DM के साथ भागलपुर SSP आशीष भारती, बांका SP अरविंद गुप्ता एवं नवगछिया SP निधि रानी से भूमि विवाद से संबंधित मामलों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने प्रमंडल के दोनों जिलों में भूमि विवाद से संबंधित मामलों को गंभीरता से लेने और निपटारा करने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से कई अहम जानकारी भी ली। बैठक के दौरान DIG विकास वैभव, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, बांका DM कुंदन कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा सोमवार को पदभार ग्रहण कर सकते हैं।
प्रोफेसर विभास चंद्र झा विद्याभवन विश्व भारती शांति निकेतन में जियोग्राफी विभाग के प्रोफेसर हैं। हम आपको बता दें कि नवंबर 2018 में कुलपति प्रोफेसर एन के झा के आकस्मिक निधन के बाद वाटनी विभाग के प्रोफेसर लीला चंद्र साह TMBU के प्रभारी कुलपति नियुक्त किए गए थे। लगभग 8 माह के कार्यकाल में प्रभारी कुलपति ने विश्वविद्यालय में कई बदलाव किए और विश्वविद्यालय को राजभवन की नज़र में नंबर 1 बना दिया। प्रोफेसर लीला चंद्र साह ने कहा कि नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा काफ़ी विद्वान और ऊर्जावान हैं। मेरा मकसद था कि भागलपुर विश्वविद्यालय तो अच्छा है ही, पहले से भी है और आगे भी अच्छा रहेगा। अच्छे कुलपति मिले हैं, ज्ञानी और विद्वान कुलपति हैं, आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन मेरी जो इच्छा थी कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय दिनकर के कुलपति काल से लेकर अब तक यहाँ पहुँचा है, तो हमारी इच्छा थी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जिसमें छात्र छात्र के रूप में रहे, शिक्षक शिक्षक के रूप में कार्य करें और पूरे विश्वविद्यालय में एक वास्तविक इंसान का निर्माण हो। सिर्फ डिग्री ना हो कि BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom की डिग्री दी जाए, लोग PhD करें, लेकिन एक ऐसा नागरिक बने, ऐसे छात्र बने, हर कॉलेजों में जो छात्र तैयार हों, लगे कि समाज के प्रति बहुत जागरूक हैं, समाज की हर घटनाओं के प्रति वो संवेदनशील हैं और वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये ऑनलाइन का मेरा, जैसे ही हम आए PG का राजभवन ने कहा था, उसके पहले से ही हमने PG के ऑनलाइन एडमिशन शुरू कर दी थी। उसके बाद ऑनलाइन अभी ऑनर्स का चल रहा है, 3rd लिस्ट कल निकल जाएगा। और हमारी इच्छा थी कि इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें कि कुलपति से लेके एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी तक का सारा ब्यौरा उसमें रहता और कोई भी एक क्लिक दबाने से अपने बारे में सारी ह्यूमन रिसोर्स संबंधी जानकारी कि कब ज्वाइन किए हैं, कब रिटायर करेंगे, कितना पैसा मिलता है, कितना यूनिवर्सिटी में बकाया है, कितना PF जमा है, कितना PF उनको मिलेगा रिटायरमेंट के समय, सारी जानकारी उसमें होती। तीसरा मेरा टारगेट था कि फिनांशियल मैनेजमेंट, विश्वविद्यालय को जहाँ जहाँ से जितना पैसा आता है और जिस जिस रूप में विश्वविद्यालय खर्च करता है, पूरा मैनेजमेंट उसके तहत हो और वो फिनांशियल मैनेजमेंट मेरे करने का है और आगे भी होगा। मैं पूरा विश्वास है मुझे कि आने वाले कुलपति हमसे भी अच्छा कार्य करेंगे और ह्यूमन रिसोर्स और फिनांशियल मैनेजमेंट जो है उसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। राजभवन द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा की नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय अधिकारियों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को CCDC प्रोफेसर कृष्ण मुरारी सिंह और लीगल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश तिवारी ने इस्तीफा रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह को सौंपा। दोनों अधिकारियों ने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देने की बात कही। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने दोनों अधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि अधिकारियों के इस्तीफे के बाद विश्वविद्यालय में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, लीगल कोऑर्डिनेटर का जो अपॉइंटमेंट होता है कुलपति के ग्रेस से होता है। जिस कुलपति जी ने मेरे नियुक्ति की थी उनका नए कुलपति जी का नोटिफिकेशन हो गया, इसलिए मैं नैतिकता रुख के आधार पर और कुछ मुझे फैमिली प्रॉब्लम है उस आधार पर मैंने इसको रिजिग्नेशन दिया है, ताकि जो नए कुलपति आएंगे वो अपने पसंद से लीगल कोऑर्डिनेटर का नियुक्ति करें। इस्तीफा देने का कारण मेरा 2 है। एक तो पहले पर्सनल, जिस पर कि मेरे हाथ मतलब शारीरिक रूप से और व्यस्तता फैमिली के कारण है। दूसरा है कि वाइस चांसलर जब बदल गए तो अपने अनुसार आएंगे तो अपने अनुसार करेंगे, ये 2 कारण से हम दे रहे हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात से 3 व्यक्ति की मौत हो गई। कहलगांव सनोखर थाना क्षेत्र सिलहन खजुरिया निवासी हृदय यादव के पुत्र की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गया। वहीं अमडंडा थाना क्षेत्र श्रीमतपुर वेलसर निवासी राजेंद्र मंडल की पत्नी वंदना की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सनोखर और अमडंडा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कजरेली गौरा चौकी में खेत से चारा लाने गई शीला देवी की मौत वज्रपात के कारण हो गई। एक ओर जहां श्रावणी मेला शिव भक्तों के आस्था का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जगहों से आए कांवरिया का अनोखा अंदाज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। बुधवार को भागलपुर सुल्तानगंज अजगैवीनाथ गंगा तट पर पटना सिटी मारुतगंज से आए कांवरियों का जत्था कौतूहल का विषय बना रहा। दरअसल इस जत्थे में 400 कांवरिया शामिल हैं और इनके पास 54 फीट का विशाल कांवर है, जिसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है।
विशालधारी कामर संघ के सुनील कुमार ने कहा कि विगत 14 वर्षों से श्रावण माह में बाबा धाम जा रहे हैं और 54 फीट के कामर लेकर 72 घंटे से कम समय में बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करते हैं। 54 फीट के विशाल कामर देखने के लिए लोगों की भीड़ जगह जगह उमड़ती रही। संघ के विनोद बाबा एवं संजय कुमार ने कहा कि भगवान शिव की कृपा से ही इतनी लंबी यात्रा विशाल कामर के साथ पूरी हो पाती है। भागलपुर में बुधवार की सुबह से हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं लगातार हो रही बारिश से शहर के कई सड़कें जलमग्न हो गई। भागलपुर शहर को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ने वाले भोलानाथ पुल और बौसी पुल के नीचे जल जमाव के कारण राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। पुल के नीचे जल जमाव से अभिभावक भी बच्चों के सुरक्षित घर वापसी के लिए मशक्कत करते दिखे। इसके अलावा लोहापट्टी, आदमपुर समेत शहर के कई मोहल्लों में जर्जर सड़क के कारण जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर डीएन सिंह रोड स्थित होटल में लायंस क्लब ऑफ घोघा का स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलापाल डॉक्टर अमिताभ चौधरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जमील वाल्मीकि, पूर्व जिलापाल कुंज बिहारी झुंझुनवाला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। क्लब की ओर से सांसद समेत सभी अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र देकर किया गया। इस दौरान क्लब की ओर से अपने कार्यों का ब्यौरा और आने वाले समय में की जाने वाली कार्य योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और वृक्षारोपण एवं नेत्र जांच शिविर आयोजन करने की बात कही गई। अभिषेक डालमिया को जोनल चेयरपर्सन बनाया गया, जिसके तहत 4 क्लबों के कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। मौके पर DC संचेती समेत काफी संख्या में लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं अतिथि मौजूद थे। आदिवासियों और परंपरागत निवासियों के बीच वन अधिकार कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग को लेकर बांका में आदिवासी समुदाय के लोगों ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद आदिवासी समाज के लोगों ने बांका जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष नारेबाजी की और सरकार द्वारा प्रस्तावित भारतीय वन संशोधन विधेयक 2019 को वापस लेने और वन अधिकार कानून प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग करते हुए आदिवासियों ने प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व करते हुए विष्णु लाल मरांडी ने कहा कि यदि सरकार आदिवासियों की मांग नहीं मानेगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वन अधिकार कानून लागू करो, लागू करो। वन अधिकार कानून लागू करो, लागू करो। वन संसाधन विधेयक वापस लो, वापस लो। बांका पंजवारा भेड़ा मोड़ मुख्य मार्ग निंझरी गांव के समीप तेज रफ्तार पिकअप वैन ने पेड़ में टक्कर मार दी। घटना में भागलपुर नया टोला बरारी निवासी वैन चालक रितेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने वैन चालक को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वैन को जब्त कर लिया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति की खबर दिखाए जाने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान लिया। दरअसल मंगलवार को सिल्क टीवी ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं रहने के कारण छात्र छात्रों को हो रही परेशानियों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है, जल्द ही एक्सरे मशीन को दुरुस्त करा दिया जाएगा। हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की नियुक्ति हो गई है और उन्होंने 25 दिन का टाइम मांगा हुआ ज्वाइन करने के लिए,
तो वो 15-20-25 दिन के बाद आ जाएंगे। और मेडिसिन तो है, हमारे हेल्थ सेंटर में मेडिसिन है, और वो एक्सरे मशीन जो है उसको जल्दी ठीक करा लेंगे, और जो एक आध इक्विपमेंट है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि में विसंगतियों का मामला उजागर हुआ है। वेतन वृद्धि में एक रूपता नहीं रहने से संविदा कर्मी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर कई संविदा कर्मी बुधवार को सीनेट सदस्य बलराम सिंह से मुलाकात कर कहा कि इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ कर्मियों के वेतन में 22% का इजाफा किया है, तो कुछ कर्मियों के वेतन में 8% का ही लाभ दिया गया है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के वेतन में नियम के तहत इजाफा नहीं किया गया है। इसके अलावा वरीयता सूची में भी छेड़छाड़ किया गया है। सीनेटर बलराम सिंह ने कहा कि कर्मियों की समस्या को कुल सचिव के समक्ष रखा जाएगा। के लिए ये लोग आए थे, 22% बढ़ा है, उसमें बहुत सा विसंगति है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है उसको 8% या 7% तक का बढ़ोतरी नहीं हुआ है, जबकि एक रुकता होना चाहिए। इसके लिए सब कर्मचारी हमारे पास आए थे, हम उनको आश्वासन दिए हैं जो हम कुल सचिव महोदय से वार्ता करेंगे इस मुद्दा पर, वो लोग एप्लीकेशन दिया है। और बहुत सा ऐसा है जो नोटिफिकेशन जो निकला है संविदा कर्मी का, उसमें भी कुछ क्रमांक में गलती हो गया है, जो सीनियरिटी जूनियरिटी में इधर से उधर हो गया है, इस पर भी वो लोग मुद्दा उठाया था। ये सारे समस्या लेकर हम कुलपति के पास, कुलपति तो अभी नहीं अथी हैं, तो ये कुल सचिव महोदय के पास जाएंगे। एक माह तक चलने वाले श्रावणी मेला में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के लिए पूरे कांवरिया मार्ग में जहां सरकार के स्तर से कई सेवा शिविर का आयोजन किया जाता है, वहीं स्वयंसेवी एवं सामाजिक संगठनों के साथ कई व्यवसायियों की ओर से भी कांवरिया सेवा शिविर आयोजित कर अलग अलग तरीके से सेवा प्रदान की जाती है। बेलहर प्रखंड स्थित धौरी धर्मशाला में बाका महादेव इनक्लेव की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया गया। कांवरियों की सुविधा के लिए शिविर में गर्म पानी, स्वच्छ पेयजल के साथ भोजन का भी इंतजाम किया गया है। महादेव एनक्लेव के चेयरमैन आरपी सिंह ने कहा कि कांवरियों की सेवा करने में काफी अच्छा लगता है और बाबा भोले के दरबार जाने वाले कांवरियों का आशीर्वाद भी मिल जाता है। महादेव एनक्लेव की ओर से रविवार को कांवरियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाका के पंजवारा पंचायत भवन में बुधवार को आयोजित ग्राम सभा सह जन सुनवाई की बैठक में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बाका DRDO द्वारा गठित टीम के द्वारा मनरेगा, PDS, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शौचालय निर्माण योजना की सोशल ऑडिटिंग के लिए जन सुनवाई की बैठक रखी गई थी, जिसमें ग्रामीण एवं DRDO की टीम तो मौजूद थी, लेकिन आवास सहायक एवं पंचायत के डीलरों के नहीं पहुंचने से जन सुनवाई का उचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल सका। इसको लेकर योजना के लाभ से वंचित ग्रामीणों ने हंगामा किया और कहा कि आवास सहायक और डीलर मौजूद नहीं है तो जन सुनवाई में चर्चा करना व्यर्थ है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 देशी कट्टा और सैकड़ों कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। भूमि विवाद निपटारे को लेकर कमिश्नर वंदना किनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने प्रोफेसर विभास चंद्र झा, विश्वविद्यालय में इस्तीफे का दौर शुरू। भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में कुदरत का बरपा कहर, वज्रपात से एक मासूम सहित 4 की मौत। और शिव भक्तों ने पेश किया भक्ति का अनूठा नजारा, 54 फीट कांवर के साथ 400 कमरियों का जत्था बाबा धाम हुआ रवाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।